जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस में, जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे। एक हमेशा से एक सवाल आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और एक आपको बीएड में फाइल बनानी होती है, एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना, यानी कि विद्यालय की किसी एक समस्या पर एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना, क्रियात्मक अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करना। तो इसी के बारे में पूरा पीडीएफ आपको दिखाया जाएगा, कैसे बनाना है, कौन सी समस्या है, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा बिना किसी देरी के। तो आइए इस बेहतरीन से और इम्पोर्टेंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक विद्यालय से जुड़ी समस्या पर एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू माई चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज हमने जिस समस्या का चुनाव किया है, समस्या क्या है, पहले आप उस समस्या को देख लीजिए कि विद्यालय की कौन सी समस्या पे हमें एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, तो हमने समस्या का एक चुनाव किया। देखिए, समस्या कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए बच्चे क्लासरूम में नहीं आ रहे, बच्चे एग्जाम में फेल हो जा रहे हैं, बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे, बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कोई भी विद्यालय से बच्चे से जुड़ी समस्या हो सकती है। तो आज हमने जो समस्या चयन किया है, छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके न लाना, मतलब बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है और वो होमवर्क करके नहीं आ रहे, तो इस पे आपको एक्शन रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना है। एक्शन रिसर्च रिपोर्ट का मतलब आपको विद्यालय से जुड़ी समस्या पे कोई वैज्ञानिक विधि से अपनी परिकल्पना के अनुसार कोई प्रैक्टिकल करके वहाँ पे हल निकालना है और उसको रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो समस्या हमारा क्या है बच्चों, समस्या हमारा यहाँ पर है कि छात्रों द्वारा कार्य हो गृह कार्य पूरा करके न लाना, ये हमारी समस्या है। तो चलिए, ये स्टेप वाइज स्टेप आपको लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैं आपको एंड में दूंगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चों को पीडीएफ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमने सबसे ऊपर क्या करा, सबसे ऊपर हमें बच्चों क्या करना है, हमें सबसे ऊपर हम अपना क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, यानी कि एक्शन रिसर्च की रिपोर्ट, यानी द रिपोर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। योजना का शीर्षक हमारा क्या है, छात्रों द्वारा गृह कार्य पूर्ण करके न लाना। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे इसको लिखते हैं कि विद्यालय की समस्या, ये भी लिख सकते हैं, बट योजना के कार्य ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित विद्यालय व कक्षा, आप कौन से विद्यालय, आप चाहे तो डॉट डॉट लिख सकते हैं, अगर आपको विद्यालय लिखना चाहे विद्यालय लिख सकते हैं, कक्षा 6, 7, 8 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह समस्या हर एक विद्यालय में कॉमन हो सकती है। छात्र संख्या कितना है उस विद्यालय में, आपने एक नंबर डाल दिया, 30 नंबर डाल दिया। उसके बाद अनुसंधानकर्ता कौन है, अगर आप अपना नाम लिख सकते हैं, योग्यता आप अपनी बीए डाल सकते हैं। अब योजना की पृष्ठभूमि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योजना की पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, शिक्षिका ने अपने शिक्षण के दौरान अनुभव किया कि छात्र गृह कार्य पूर्ण करके नहीं लाते हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक लिखेंगे, शिक्षिका हैं तो शिक्षिका लिख देंगे। अगला पॉइंट है योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान का उद्देश्य। ठीक है, छात्रों के आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहला हमारा ये है बच्चों कि छात्रों में गृह कार्य को पूर्ण करने की प्रकृति उत्पन्न करना, मतलब बच्चों को बताना, छात्रों को गृह कार्य के महत्व को अवगत कराना और यह स्पष्ट करना कि सामाजिक विज्ञान के गृह कार्य की पूर्ण करने की प्रवृत्ति उनके अंदर अस्थायी बने और छात्रों की परीक्षा परिणाम में सुधार करना। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करिएगा, हालांकि इसमें कोई गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है अगर वह यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है तो आप सामाजिक विज्ञान लिखिएगा, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भौतिकी विज्ञान है तो भौतिकी विज्ञान लिखिएगा, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भूगोल है, गणित है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, बेहतर हो कि आप वो लिखें। ठीक है, वो लिखें, हालांकि अगर ये भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन हाँ आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो लिखिए। अब आइए विद्यालय के लिए योजना का महत्व, आप जो योजना बनाएंगे तो यहाँ से देखा आपने कि बच्चों के लिए क्या उद्देश्य, अब योजना विद्यालय के लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में लिखिए। गृह कार्य पूर्ण करने से छात्रों के व्यक्तिगत तौर पर पाठ को समझने व सीखने में सहायता होता है, इससे बच्चों के विकास तथा परीक्षा फल पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपने देखिए, बिल्कुल कोई याद करने वाला नहीं है, बस आपको पॉइंट याद करना है, उसके बाद आपको लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। तो अब हम आ जाते हैं समस्या का क्षेत्र देखेंगे, ये आप पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे पॉइंट वाइज पॉइंट हमें लिखना है। तो अब हमारा क्या है बच्चों, समस्या का क्षेत्र, समस्या का क्षेत्र क्या है, विद्यालय के कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में मुख्य समस्या विद्यार्थियों के गृह कार्य करके न लाना है। ठीक है, अब आपने समस्या के लिए साक्षियां, मतलब आपको ये समस्या कैसे पता चला और क्या क्या इसके साक्ष्य है, आपने वह उसको भी यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपने दो कॉलम बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप दो कॉलम बना लीजिएगा। ठीक, एक कॉलम में आप लिखेंगे साक्षियाँ, एक लिखिए साक्ष्यों के आधार, साक्ष्य साक्ष्यों के आधार। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे।
तो आपने पहला क्या देखा, पहला देखा कि उत्तर पुस्तिका घर पर रह गई, ये बच्चे बहाना बना रहे हैं, तो ये क्या है, बहाना बना रहे हैं। दूसरा, छात्र की गृह पुस्तिका जांचने पर निरीक्षण द्वारा आपने पता चला कि वो गृह कार्य करके नहीं लाए हैं। और विषय अरुचिकर लगना, आपने देखा कि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, साक्ष्यों के आधार है। विषय सामग्री उपलब्ध न होना, पुस्तिका के विषय में पूछने पर आपने जब पूछा तो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मांगने पर उत्तर पुस्तिका न देना, बैग की जांच करने पर आपने देखा कि आप जब मांग रहे हैं बच्चों से तो बच्चे नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ये उनकी समस्याएं हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लिख लेना है। चलिए अगला हम देखते हैं समस्या के कारणों का विश्लेषण। आपने अपने अनुसार क्या विश्लेषण किया, क्या कारण हो सकता है, बच्चे अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं करके आ रहे तो ऐसा क्या कारण हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि समस्या के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि केवल छात्र नहीं बल्कि कक्षा के अधिकांश छात्र इस समस्या के अंतर्गत आते हैं, ज़्यादातर बच्चे। कक्षा में ध्यान न देने के कारण छात्र सामाजिक विज्ञान के प्रकरण को समझ नहीं पा रहे हैं। पुस्तक को जो जाना भी एक खो जाना भी एक बड़ा बहाना है, पुस्तक खो जाना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, पुस्तक खो जाना भी एक बहुत बड़ा बहाना है। कुछ छात्र पुस्तक के अभाव में गृह कार्य नहीं कर पाते हैं। आपने क्या देखा, आपने ये समस्या का विश्लेषण कर लिया, ठीक है। अब आइए एक विशेष टिप्पणी करेंगे और उसके बाद आप इसका हल निकालेंगे। तो विशेष टिप्पणी में क्या किया आपने, छात्र गृह कार्य के महत्व को कम जानकर इससे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये आपकी विशेष टिप्पणी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिए, आपका एग्जामिनर भी कहेगा कि वाह बच्चा क्या लिख कर आए हैं। अगर हाँ, नाम मेरा मत बताइएगा, वरना आप अपना ही नाम बताइए, लेकिन बहुत तारीफ मिलेगी आपको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो। अब आइए क्रियात्मक उपकल्पना, आपने उपकल्पना करी, ठीक है, आपने क्या करी, एक उपकल्पना करी। जब भी हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो एक क्रियात्मक उपकल्पना करते हैं। उपकल्पना तीन यहाँ पे की गई है, ठीक है। पहली उपकल्पना ये की गई है, हम ये मानते हैं, जो भी अनुसंधान करता है या करती है वो मानती है कि यदि छात्रों को दिए गए गृह कार्य की मात्रा में कमी कर दी जाए तो तथा बाद में धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो छात्र पूर्ण रूप से करने लगेंगे। सही बात, परिकल्पना उसने ये करा कि हम ऐसा है कि बच्चों को जो हम अपना होमवर्क दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं उसकी मात्रा कम कर देते हैं और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। ये पहली उपकल्पना हो गई। दूसरी उपकल्पना, यदि कक्षा में छात्रों को ध्यान अधिक से अधिक केंद्रित किया जाए तो उनका सामाजिक विज्ञान के विषय में रुचि होगा। अब जब आप क्लासरूम में बच्चों को ज़्यादा अटेंशन दिलाएंगे, उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस विषय में रुचि लेंगे। आपकी तीसरी उपकल्पना ये है कि यदि छात्रों की उत्तर पुस्तिका की नियमित जांच की जाए तो वह गृह कार्य अधिक सचेत रहेंगे, वो अधिक अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इन तीन उपकल्पनाओं को आपको क्या करना है, लागू करना है, आपको प्रैक्टिकल में लागू करना है और लागू करके आपको फाइनल रिजल्ट बनाना है। तो आपने क्रियात्मक उपकल्पना संख्या एक आपने उसको लागू किया, आपने इस तरीके से एक कॉलम बना लेना है, इसमें आपने सीरियल नंबर डाल देंगे, क्रम संख्या, और क्रियाएं जो करनी है, विधि, किस विधि से कर रहे हैं, कितने समय तक करेंगे और अपेक्षित साधन, ठीक है। तो पहले आपने क्या किया, गृह कार्य की मात्रा कम करना, थोड़ा सा कम कर दिया लेखन विधि में, 15 दिनों तक आपने चलाया, अभ्यास पुस्तिका में आपने 15 दिनों तक ये परिकल्पना चला दिया। दूसरा क्या किया, प्रायोगिक कार्य की मात्रा बढ़ा दी। अब आपने क्या किया, रिटेन जो होमवर्क था उसको कम कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब प्रैक्टिकल बढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर रुचि आएगी, तो प्रायोगिक विधि हो गई, 15 दिनों तक आपने ये चलाया, ठीक है। प्रकाश से संबंधित क्रियाकलाप, प्रकरण से संबंधित क्रियाकलाप आपने बच्चों को दे दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर सामाजिक विज्ञान में कोई होमवर्क दे रहे हैं तो आपने कुछ बता दिया कि समाज के में आपके क्षेत्र में कितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, ये सब थोड़ा सा आपने प्रैक्टिकल कार्य उसको ज़्यादा दिया। समस्त गृह कार्य का पूर्ण सत्र में वितरण कर दिया, ठीक है, पूरे सत्र में कि आज ये करना है, कल ये करना है। लेखन विधि, 3 दिन आपने ये कार्य चलाया, समय सारणी के अनुसार गृह कार्य का नियोजन, और छात्रों को अपने अनुभव लिखने को कहना, ठीक है। छात्र अपना अनुभव, तो मतलब देखिए आपने देखा समस्या ये है कि बच्चे होमवर्क करके नहीं आ रहे और कैसे धीरे धीरे ना आसान सी भाषा में कहें तो उनको धीरे धीरे उसकी तरफ मोड़ा जा रहा है। उनको अपने अनुभव के बारे में लिखने के लिए कहा गया, लेखन विधि, एक सप्ताह में एक बार। तो आपने ये सर चला, पहली आपकी क्या हो गई, पहली आपने परिकल्पना पूरी कर दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दूसरी लागू करेंगे, दूसरी क्रियात्मक उपकल्पना लागू करेंगे, ठीक है। दूसरी में क्या करेंगे आप, छात्रों को सहायक सामग्री का प्रयोग करना, लेखन विधि, 2 महीने तक। सहायक सामग्री मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स और ये सब चीज़ों को आप प्रयोग करेंगे क्लासरूम में। समय सारणी की छात्रों की अन्य रुचियों को शामिल करना, ठीक है। व्याख्यान विधि, 1 महीने तक आपने क्या किया, ग्लोब एवं मानचित्र द्वारा समझाना।
उनकी रुचियों को समझते हुए उस हिसाब से आपने क्या किया, ग्लोबल मानचित्र का इस्तेमाल किया। छात्रों को प्रेरित करना, व्याख्यान विधि एक महीने तक, आपने दूसरी कल्पना भी लागू कर दी और तीसरी कल्पना उपकल्पना जब लागू करेंगे तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी उपकल्पना आपने क्या करा, क्रियात्मक उपकल्पना, तीसरा को कार्य क्रिया, तो क्रिया में क्या किया, शिक्षिका द्वारा गृह कार्य की नियमित जाँच की गई। दो महीने तक किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं जांच करने में, क्या सप्ताह के में एक दिन छात्रों का उपलब्धि परीक्षण। दो महीने तक सभी शिक्षक अपने विषयों के संदर्भ में निर्णय लेने के दिन निर्धारित करेंगे और माता पिता को ध्यान देने के लिए कहना। दो महीने तक आपने तीनों उपकल्पनाएं लागू कर लिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब आप देख लीजिए क्या फ़ायदा होगा। आपने जब मूल्यांकन किया तो आपको पता चला कि योजना के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप निम्न निष्कर्ष निकाले गए। पहला क्या, विषय में रुचि का न होने गृह कार्य के पूर्ण न होने का प्रमुख कारण था। बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसीलिए होमवर्क नहीं कर पा रहे थे। सभी छात्रों के द्वारा कुंजी का प्रयोग करना भी इस समस्या में वृद्धि का एक कारण है। सभी क्या करते, गाइड का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग छात्रों के ज्ञान स्थायी करने के साथ साथ उस विषय में रुचि बढ़ाने में भी सहायक है। मनोवैज्ञानिक, आपने जो भी खेल विधि, सब मनोवैज्ञानिक है। अब आवश्यकता अनुदान कटक टिप्पणी, ये अंततः आपने क्या कर रहा है उसका परिणाम आप बता देंगे। तो यहाँ पे ये क्या टिप्पणी करके इस तरह से ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लास्ट में टिप्पणी जो भी करा था, आपने रिजल्ट परिणाम बताना है कि इस अनुसंधान के क्रियात्मक में अनुसंधानकर्ता ने अनुभव किया कि क्रियात्मक कल्पनाओं की सार्थकता की पुष्टि के बाद शिक्षिका अपनी युक्तियों में सुधार ला सकती है, गृह कार्य में संबंधित समस्याओं को दूर कर सकती हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह अनुसंधान सफल हुआ। आपने देखा कि आप क्या करेंगे, अपनी शिक्षण युक्तियों में थोड़ी सी सुधार लाएंगे तो बच्चों के गृह कार्य करने में का सुधार हो सकता है। और अगर आप बच्चों के क्लासरूम में जो आप पढ़ा रहे हैं उसके अंदर उसकी रुचि उत्पन्न कर देंगे तो ये गृह कार्य करने की समस्याएँ दूर हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक जो सारी बातें थी वो थी समझने वाली। ठीक है, मुझे बखूबी पता है कि आपको ये फाइल लिखना भी है, तो मैं आपको वन बाई वन स्लाइड दिखाऊंगा इसी पॉइंट के साथ। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके बहुत ही बेहतरीन और आसान से शब्दों में आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे वन बाई वन, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। आप यहाँ से दोस्तों वन बाई वन करके आप स्क्रीनशॉट यहाँ से प्लीज़ ले लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला पेज नंबर। ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करते रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए, पहला पेज नंबर हो गया, दूसरा देखते हैं। चलिए, दूसरा आपका पेज नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए, बहुत ही अच्छा होगा और एक तो पूछेगा ही पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तीसरा पेज नंबर आप लिख लीजिए, तीसरा। अब परिकल्पनाएं तो आप अपने आधार पे कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है। एक बार आप बनाएंगे ना, अभी मैं आपको एक और वीडियोज दूंगा जिसमें हम दूसरी समस्या का चुनाव करके दूसरी समस्या पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तीसरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ से कटा गया, हाँ यहाँ से ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट, ये भी स्क्रीनशॉट में ले लीजिए, हो गया यहाँ तक समस्या आपकी समाधान। तो इस तरीके से आप ही बनाएं बच्चों। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में और आपकी फाइल भी बहुत अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको बताऊं। बाकी दोस्तों, आपको किस टॉपिक पे बनाना है, मैं एक दो और क्रियात्मक अनुसंधान आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी एक दो समस्याओं पे, ताकि जो आपको आसान लगे, जो आपको सरल लगे, जो आपको समझ में आए, आप उसको अपनी फाइल में लिखें और उसी को अपने एग्ज़ाम में लिखें। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट में मुझसे बातें करते हैं, मुझे लगता है कि हाँ आप भी थोड़े से एक्टिव हैं, थोड़े से जागरूक हैं, आप भी मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मुझसे कुछ जान रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगा, क्योंकि मैं भी अपने अंदर सुधार करूँगा ना, क्योंकि मैं ऐसा कुछ हो नहीं, तो आपके कमेंट के हिसाब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं कि हाँ कुछ बच्चे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहेगा बच्चों। नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मैं पता है मैं अपने वीडियोस में सबसे लास्ट में कहता हूँ कि चलो बनाओ ना, अगर पसंद आएगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर दीजिएगा और इसको तो खास तौर पे अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तक क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत सबको होती है। ठीक है, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन करिए, मैं इस पूरे पीडीएफ को वहाँ पे भेज दूँगा। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और इसको एक बार अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं पीडीएफ भेज दूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दूसरा एक और किसी समस्या पर हम क्रियात्मक अनुसंधान जरूर देखेंगे। ठीक है,
सो इस वीडियो में चला देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। सब बखैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।